आईफोन 15 को लॉन्च हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 महीने और आईफोन 16 बनने जा चुका है एप्पल की अपनी लैब्स में। और यहाँ पे 16 के सारे डमी मॉडल्स, डाइज जो कवर्स की बनती है वो सब आ चुका है और सारे डिज़ाइन सब ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, क्योंकि ये टाइम है एप्पल का प्रोडक्शन में मूव करने का। और इस टाइम के हिसाब से 16 कुछ आपको वर्टिकल डिज़ाइन में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ चेंजेस हैं, वो सब आज वीडियो में सम अप करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं उनको आज एक बहुत बढ़िया कैशबैक मिलने वाला है। कैशबैक सीधा आपके अकाउंट में मिलने वाला है, तो वो करना बहुत सिंपल है। एक टाइड करके एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है और उसके अंदर अगर आप 500 रुपीज़ का डिपॉजिट करते हैं तो आपको विद इन 48 hours to 72 hours के बीच में आपको मिलेगा 400 कैशबैक, मतलब 500 डालोगे तो 900 मिलेगा। ये कैसे मिल रहा है? क्योंकि यार देखो, हर एफिलिएट जो भी बनाता है वो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, डेफिनेटली ऐसे मुझे भी मिलते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट ताकि आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँ और हम और अच्छी अच्छी कंटेंट लाते रहें। तो सीधा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का अकाउंट का, वहाँ सारे स्टेप्स मिलेंगे टेलीग्राम अकाउंट पे, टेलीग्राम भी फॉलो कर लो और ऐसे फायदे वाली डील्स आपको बताता रहूँगा। सीधा आईफोन 16 पे मूव करते हैं। आईफोन 16 जो फ़ोन है वर्टिकल लेआउट है सबको पता है और जो इलास्टिक डिज़ाइन है वो बिल्कुल आईफोन 11-12 से थोड़ा थोड़ा सिमिलर देखने को मिल रहा है। कैमरा क्योंकि वर्टिकल है, बट ओवरऑल मुझे इस बार आईफोन का डिज़ाइन रिफ्रेश्ड फील नहीं हो रहा डिस्पाइट चेंज होने के बाद भी। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। डिज़ाइन के अंदर 6.1 इंच की जो डिस्प्ले है वो सेम रहने वाली है फॉर 16 सीरीज़ एंड 16 प्रो के लिए 6.27 इंच मतलब 6.3 इंच लगभग हो जाएगी और प्रो मैक्स के लिए हो जाएगी 6.9 इंच फ्रॉम 6.7 इंच। तो प्लस रायलर रहेगा ही 6.7 पे, प्रो मैक्स हो जाएगा 6.9 पे। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होने वाली है क्योंकि बेजल्स और छोटी हो जाने वाली है यहाँ पे। जैसे बेजल्स अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफी कम है आईफोन 15 में, बट इसमें बेजल्स और कम हो जाएगी जो कि फोन काफी ज्यादा और बढ़िया दिखने लग जाएगा। और वर्टिकल लेआउट हुआ है मेनली स्पेशल वीडियोस के लिए ताकि आप शूट कर सकें जब भी आप एक आपके एप्पल वीआर के अंदर पूरा देखने वाले हैं सिस्टम उसके लिए। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा आपको 16 सीरीज़ में, और प्रो सीरीज़ के अंदर 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा। और मेन जो आपको 5x मिलने वाला है वो दोनों प्रो और प्रो मैक्स में देखने को मिल जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलने वाले हैं 16 सीरीज़ के अंदर, बट प्रो सीरीज के अंदर तो आपको 3 मेन कलर मिलेंगे। एक तो नेचुरल टाइटेनियम देखने को मिलेगा और एक आपका सिल्वर कलर देखने को मिलेगा जो कि वाइट कलर है बेसिकली, और शायद एक इस बार ब्लू ही रहने वाला जैसा पिछली बार टाइप्स था। हो सकता है कोई एक स्पेशल कलर भी आ जाए, हो सकता है ब्लू का शेड चेंज हो जाए क्योंकि काफी बार ऐसा ही होता है प्रो सीरीज के अंदर। इसके अलावा एक कैप्चर बटन है जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है। एक बटन होगा जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका फोकस होगा और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फोटो खींचेगी, तो बिल्कुल ही कैमरा वाली यहाँ फील देने वाला है आपको ये वाला बटन। और मुझे तो पर्सनली ये वेलकम चेंज लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग फोटोग्राफी के लिए आईफोन यूज़ करते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव एक एडिशन। इसके अलावा एक्शन बटन आपको नॉर्मल 16 सीरीज में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, टाइप सी पोर्ट सेम देखने को मिलने वाला है, बॉडी एल्यूमिनियम रहेगी और प्रो की बॉडी टाइटेनियम। तो यही सब चीजें हैं अपडेट में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी डील्स, डिस्काउंट्स एंड काफी सारी लीक्स मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।